Hello dear students, today I am going to start a beautiful chapter. Name of the chapter is The 100 Dresses 1. It has been divided in two parts. Part number 1 is 100 Dresses 1 and the part number 2 is 100 Dresses 2. So we are going to start the part number 1 and who are the characters, what is the issue of this story and how the problem has been resolved. A beautiful story we are going to see. Watch the full video. Subscribe to my channel, like it and comment on it. Okay, now we are going to start. See, this is Ranjan Ganguly, your English teacher. We are going to start the video. So 100 Dresses 1. 100 Dresses 1, who are the characters? Characters are Wanda Petronsky. Wanda Petronsky, a Polish immigrant. A Polish immigrant, Polish means the person from Poland. Poland is a country, European country. Okay, and from this place who are coming, they are called Polish. So she is a Polish immigrant, who has been shifted from one country to another country. They are called immigrants. ठीक है, जो एक देश से दूसरे देश में shift करता है वो immigrant हो गया. So they are Polish people and they have come to America. Now Peggy, a solvent girl. Solvent मतलब rich, जो थोड़ा सा अमीर हो. And famous girl in school, और school में बहुत famous है Peggy. Okay. Now Maddie, a poor girl and Peggy was the best friend. Peggy, she was the best friend of Maddie. Maddie का जो best friend है वो Peggy है. Peggy थोड़ा सा rich है और Maddie जो है वो थोड़ा सा poor है. Clear? These are the main characters in this story and the story revolve around them. Now see synopsis. A quiet and shy Polish girl. क्वाइट मतलब बहुत ही शांत और शाई मतलब शर्मीला. ये स्टोरी जो है, मेन कैरेक्टर जो वांडा पेट्रॉन्स्की है, उसकी कहानी है. जो एक पोलिश गर्ल है, पोलैंड से आई हुई लड़की है एंड नेम्ड वांडा. उसका नाम जो है वांडा पेट्रॉन्स्की. पीपल आर वांडा पेट्रॉन्स्की नाम से भी लोग जो है उसे चिढ़ाते हैं. पीपल आर ऑल्सो टॉन्टिंग हर फॉर द नेम एज दे आर ऑल हैविंग द वेरी सिंपल नेम. उस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनका नाम सिंपल है. सो दे आर टॉन्टिंग दिस गर्ल वांडा पेट्रॉन्स्की फॉर हर टिपिकल नेम. ओके, नाउ नेम वांडा. दे हैव कम फ्रॉम पोलैंड एज आई टोल्ड यू टू अमरीका. वो लोग पोलैंड से अमरीका पे आए हुए थे. शी took admission in an American school. एक American school पे उसने admission ले लिया. She used torn T-O-R-N, torn मतलब फटा हुआ कपड़ा. जो उनके कपड़े हैं वो थोड़े से फट गए थे. As she was poor and filthy dress, F-I-L-T-H-Y, dirty, D-I-R-T-Y, dirty refers to filthy. एक filthy dress वो पहनती थी, dirty कपड़े वो पहनती थी. Specially a typical blue dress. हमेशा वो एक typical TYPICL मतलब अनोखा टिपिकल ब्लू ड्रेस वो हमेशा पहनती थी. कौन? वांडा पेट्रॉन्स्की हमेशा स्कूल में ऐसे कॉस्ट्यूम में आती थी. एज द क्लासमेट्स वर वेरी रिच, क्योंकि उसके क्लासमेट्स जो है, एज द क्लासमेट्स वर वेरी रिच, वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे. सो शी फेल्ट अशेम्ड. उनके बीच वो थोड़ा सा शर्माती थी, क्योंकि सब अमीर है, अगर वो इतनी गरीब होगी सब लोग उसे चिढ़ाएंगे. दे विल ऑल टॉन्ट हर, दैट्स वाई शी वॉज फीलिंग अशेम्ड. वो थोड़ा सा अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी महसूस करती थी. एंड अनाउंस्ड, इसलिए उसने अपने आप को ही अनाउंस कर दिया. कैसे अनाउंस दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस. उसने कह दिया सबको कि आप लोग मुझे ऐसा मत समझना. यू मस्ट नॉट थिंक मी अबाउट लाइक दैट कि आई एम सो पुअर एंड लाइक दैट. आई हैव 100 ड्रेसेस विद मी, मेरे पास 100 ड्रेसेस है. शी अनाउंस्ड, उसने अनाउंस कर दिया, एज ऑल द क्लासमेट्स वर वेरी रिच, 100 ड्रेसेस. ओके, इन हर क्लोजेट, उसने कहा कि इन हर क्लोजेट मतलब उसकी अलमीरा में 100 ड्रेसेस भरे पड़े हुए हैं. ऑल कलर्स ड्रेसेस, बहुत सारे कलर के ड्रेस जो है उसके क्लोजेट में अलमीरा में पड़ा हुआ है. बट नो वन बिलीव्ड हर, पर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया. नो वन बिलीव्ड हर एज शी ऑलवेज, क्योंकि वो हमेशा क्या पहनती थी, स्पॉट विद द सेम क्लॉथ. वो हमेशा अपना वो टिपिकल ब्लू क्लॉथ पहन के स्कूल आती थी. वन टाइप ऑफ क्लॉथ ओनली शी वॉज यूजिंग एवरी टाइम. सो एवरीबडी वॉज स्माइलिंग एट हर, एवरीबडी वॉज टॉन्टिंग एट हर कि हाँ देखो उसके पास 100 ड्रेसेस है और हमेशा एक ही कपड़े पहन के आती है. ठीक है, स्पॉट विद द सेम क्लोथ. पेगी यूज टू टॉन्ट हर. पेगी जो एक अमीर लड़की है और क्लास में स्कूल में बहुत फेमस लड़की है, वो अमीर है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी मानी जाती है. दैट्स वाई शी वॉज टॉन्टिंग. टॉन्ट मतलब ताना मारना. शी वॉज टॉन्टिंग हर, वो हमेशा उसे ताना मारती थी वेंडा को. शी वॉज ऑलवेज टॉन्टिंग वेंडा फॉर दिस ब्रैग, ये बड़ी बड़ी बातों के लिए. फॉर टेलिंग लाई,
पेगी कहती थी तुम और कितना झूठ बोलोगे, यू आर टेलिंग लाई, इफ यू हैव 100 ड्रेसेस व्हाई यू आर नॉट यूजिंग द डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट डेज, तुम अलग अलग ड्रेस को अलग अलग दिन में क्यों नहीं इस्तेमाल करते, व्हाई यू आर यूजिंग द सेम मोनोटोनस क्लोथ, ओके, आर टेलिंग लाई एंड टॉर्चर्ड हर, मेंटल टॉर्चर करती थी मानसिक तौर पे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें करते हो, ओके, हु पेगी, पेगी यूज टू टॉर्चर टू हुम, वेंडा, मैडी वॉज नॉट सो सॉल्वेंट, मैडी उतनी अमीर नहीं थी, मैडी वॉज नॉट सो सॉल्वेंट, ओके, इन दिस स्टोरी यू हैव गॉट टू नो दैट मैडी वॉज नॉट सो सॉल्वेंट, मैडी उतनी सॉल्वेंट तो है नहीं, ओके, सो शी अंडरस्टूड द पेन ऑफ वेंडा, इसलिए वो वेंडा के दर्द को महसूस करती थी और उसने बहुत बार कोशिश किया था पेगी को टोकने की, शी ट्राइड मैनी अ टाइम्स टू सीज, ओके, पेडी, पेगी नॉट टू यूज दिस वल्गर वर्ड्स फॉर वेंडा, वेंडा के लिए सब शब्द इस्तेमाल मत करो, हमेशा मैडी ने पेगी को समझाया था द पेन ऑफ वेंडा, बट शी वॉज फियरफुल टू लूज हर फ्रेंड, पर वो पेगी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि पेगी जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी मैडी की, इसलिए वो नहीं चाहता था उसके दोस्त उससे बिछड़ जाए, दैट्स वाई शी वॉज फियरफुल टू लूज हर फ्रेंड पेगी, दैट्स वाई डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू हर, इसलिए उसे खुल के विरोध नहीं कर पाती थी पेगी के कामों का, पेगी के टास्क का वो खुल के विरोध नहीं कर पाती थी, शी वॉज नॉट एबल टू ऑब्जेक्ट पेगी एज शी वॉज फियरफुल टू लूज हर फ्रेंड, ओके, द सीक्रेट ऑफ 100 ड्रेस इज रिवील्ड, मुझे 100 ड्रेस करके वंडा हमेशा कहती थी, उसका सीक्रेट तब रिवील हुआ, तब सामने आया, रिवील मतलब सामने आना, कॉन्फ्रंटेड, कब, एट द टाइम ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ पेंटिंग कंपटीशन, स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, ओके, इन दिस पेंटिंग कंपटीशन द व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस, सो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज टू सी दैट के वंडा वाज टेलिंग दोज 100 ड्रेसेस एंड इट वाज दोज डे 100 ड्रेसेस दैट वन द कंपटीशन, कंपटीशन व्हेन वंडा 100 ड्रेस ऑन द कंपटीशन, समझ में आया तुम लोगों को, व्हेन वंडा पेंटेड ऑल 100 ड्रेसेस पिक्चर, वंडा ने अपने ब्यूटीफुल 100 पेंटिंग बनाया हुआ था, 100 पेंटिंग ऑफ 100 ड्रेसेस एंड दैट वन द फर्स्ट प्राइज, वो जो है वो फर्स्ट प्राइज मिला उसी को वंडे के ड्रेस को, नाउ एवरीबॉडी केम टू नो दैट वंडा वॉज रियली वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी आर्टफुल, वो बहुत आर्टफुल है अबाउट द पेंटिंग एंड अदर कंपटीशन, सो द फ्रेंड्स वेयर फीलिंग लिटिल बिट गिल्टी, वो गिल्टी फील करने लगे थे जस्ट फॉर टॉन्टिंग, जस्ट फॉर टॉर्चरिंग और ह्यूमिलिएटिंग वंडा, वंडा को ह्यूमिलिएट करने के लिए वो थोड़ा सा अपने आप पे देवर रिमोर्सफुल पश्चाताप करने लगे थे, क्योंकि वंडा ने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे वो पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज मिला था, जिस 100 ड्रेसेस की बात वंडा करती थी, तो व्हाट वी हैव फाउंड दैट 100 ड्रेसेस वर नॉट लिटरली प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, वो 100 ड्रेसेस वंडा के पास लिटरली नहीं है, ओके, प्रेजेंट नहीं है, बट दिस 100 ड्रेसेस वर देयर इन द इमेजिनेशन ऑफ वंडा, वंडा की इमेजिनेशन में है, उसके क्रिएशन में है जो उसने बनाया हुआ था, ठीक है, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर स्टोरी।